हरियाणा में, टीजीटी पीजीटी सीईटी में हरियाणा सरकार एक स्कीम लेकर आई, अनपढ़ों वाली स्कीम थी ये, कि 10 नंबर की छूट दी जाएगी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के। तो हरियाणा के 70% लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, और कमाल की बात है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए कि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया। ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इन्होंने देश के साथ झूठ बोला है, इनकी संपत्ति कुर्की होनी चाहिए जिन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था, और उस सरकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए जिन्होंने सोच समझे इस प्रकार का फैसला लिया। मतलब आपने बिना वेरिफिकेशन के चीजों को स्वीकार किया, फिर बाद में बोल रहे हो कि वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन में पकड़े गए, झूठ पकड़े गए, उनकी नौकरी भी गई और उनको जेल में भी डाला जा रहा है। मतलब लोट चोर कोतवाल को डांटे आप, इसके हम समझो आप ही का पैसा, आप ही लोग फंस रहे हो, सब कुछ आप हो रहा है। फिर उस स्कीम में बदलाव किया गया कि अब केवल 1,80,000 लोगों को ही इस प्रकार का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 1,80,000 के आसपास है, ऐसा कुछ। जिस हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3,00,000 के आसपास हो, उस हरियाणा में 70% लोगों ने यह दिखाया कि हमारी आय सालाना 1,80,000 के आसपास है। तो या तो ये पीछे रिपोर्ट झूठ बोल रही है या हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है। आप समझ रहे हो किस प्रकार का घोटाला है, पर इस घोटाले में नुकसान उन होनहार बच्चों का हुआ है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, गरीबी से लड़ रहे हैं वो बच्चे। चलो वो गरीबी से भी लड़ लेंगे, वो मेहनत फिर से कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों का समय वापस आ सकता है क्या? जब बच्चा सरकारी नौकरी तैयारी करने आता है, कॉन्स्टेबल की, एसआई की, फलाने की, ढिकाने की, तो वो उसकी उम्र ऐसी होती है कि रेख भी नहीं आती है, और जब वो इस प्रक्रिया में फंस जाता है तो दाढ़ी भी आती है, बाल भी सफेद, 28-29-30 साल का कब हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता, उसकी जवानी 7-8 साल इसी अनपढ़ों की बनाई गई नीतियों में फंस जाती है, और इन अनपढ़ों को उसी नीति में अपनी राजनीति करनी होती है, और ये प्रक्रिया ऐसे फंसा के रखते हैं कि जब चुनाव आ जाएगा प्रक्रिया छोड़ दी जाएगी और भर्ती पूरी हो जाएगी, तुमको लगेगा कि चुनाव में देखो वैकेंसी आई है फिर तुम उन्हीं को वोट दे दोगे। ये बहुत शानदार क्रम है, भ्रष्टाचार नंबर एक। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी 2019 में 87% और 13% वाला, तो 87% का रिजल्ट दे दिया, 13% वाले अटके हुए हैं। तो ये है केस स्टडी नंबर एक। अब भारत में इतनी भीड़ है, इतना बेरोजगारी है, तो मैं बस हरियाणा सरकार से इतना कहना चाह रहा हूं कि उन बच्चों पर देखिए, अब जो बच्चे जिस प्रोसेस में शामिल हो चुके थे, या तो उनको अंदर ले लो, उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, व्यवस्थाएं बाद में बनाई जा सकती हैं, पर इन बच्चों का समय वापस नहीं आ सकता है। तो मेरा तो सरकार से निवेदन है, जो जो इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं उनके लिए कुछ विकल्प व्यवस्था की जाए, उनकी आवाज सुनी जाए। वो हमारे ही बच्चे हैं, हम ही लोगों ने आपको चुनकर वहां बैठा है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे? और फिर ये लोग अनैतिक कदम उठाएंगे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये हमारे सरकार पर, हमारे ऊपर धब्बा है। आप संवेदनशील सरकार बनाइए और इन बच्चों के बारे में सोचिए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए जिससे कि इन बच्चों की हताशा दूर हो और सरकार और सिस्टम पर इनका विश्वास बना रहे। तो ये तो केस स्टडी नंबर वन है। अब केस स्टडी नंबर टू समझिए, पेपर का लीक होना। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि पहले भर्ती आई, अब भर्ती आई तो भाई जो पेपर लीक करने वाले कौन कर सकते हैं जो सरकार के टच में रहे हों? याद रखना, जहां भी लीकेज हो रहा है वो सिस्टम से ही हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। सबकी मिली जुली गांठ होती है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है। अब उसमें से कोई कमजोर हुआ तो पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर लीक होने में भी सरकार का फायदा होता है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। सबसे ज्यादा नुकसान तो छात्रों का होता है। क्यों? पहली बात तो पेपर लीक हुआ, थोड़ी सी बदनामी होगी, हो अल्लाह करोगे उनका क्या बिगड़ जाएगा, पर वो तो सुकून में है ना, तो ज्वाइनिंग देनी पड़ रही ना दोबारा वैकेंसी निकालनी पड़ रही, वही वैकेंसी रिपीट कर देंगे वापस से, और लगेगा कि वापस से कोई वैकेंसी आ गई है, तो लगेगा कि एक साल में दो वैकेंसी आ गई, जबकि हकीकत है कि वैकेंसी एक भी आई नहीं है, क्योंकि पिछला वाला लीक हो गया था। एक और तरीका है पेपर को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, किसी प्रकार की व्यवस्था ठप हो गई इसलिए पेपर रद्द कर दिया गया। तुम 2-4 दिन गाली दोगे, वो गाली कौन सा उनके कानों में लग रही है, वो तो राजा महाराजा लोग हैं और इतने बेसराम हो चुके हैं, तभी तो राजनीति में गए हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? पेपर कैंसिल होगा तो फिर से पेपर होगा, तो वो ये लोग क्या करते हैं कि 5 साल निकालने की कोशिश करते हैं जो मकार